गांधी को, पहली बार कांग्रेस ने डिफेंसिव नहीं गई, वरना क्या होता था, इन्होंने हुश किया और कांग्रेस डर के बिल में घुस गई। इस बार उन्होंने जोर से कहा कि तुम बजरंग दल और बजरंग बली को कैसे जोड़ सकते हो, अगर आप एग्रेसिव रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो ये तो डरपोक है, ये डरपोक है। मैं डरेंगे किससे, सत्ता में है, मेरी कितने सत्ता में, हमारी आवाजों से डरते हैं। देखिए सत्ता में है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, सेमी फैशिस्ट स्टेट है, उसके बावजूद हम यहाँ खड़े होकर इंडिया गेट के सामने बोल रहे हैं, हमारे बोलने से डरते हैं। अगर आज और लोग बोलना शुरू कर दें तो और डरें। तो ये बिल्कुल तमाशा है, ये दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में लोकतंत्र के नाम पे एक पूरा मजाक बन गया है। क्योंकि हमको हमारा संविधान प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, हमको कैंडल लाइट निकालें, चाहे हम धरने पे बैठें, चाहे हम भाषण करें, पब्लिक मीटिंग करें, और उसमें इस तरह की, जिस टाइम ये निकलते हैं, जब दंगाई निकलते हैं घरों को जलाने, कितनी सिक्योरिटी इन्होंने मणिपुर में लगा दी होती ना, मणिपुर में जो कितने चर्च जल गए, कितने हजारों लोग बेघर हो गए, इतनी सिक्योरिटी वहां लगा दी। बिल्कुल छावनी में तब्दील है, कॉल थी कैंडल मार्च करने की इंडिया गेट पे, वो चारों तरफ से टोटल उसको छावनी बना रखा है, कोई अंदर नहीं आ सकता। इवन राजपथ पे, अगर राजपथ पे आप अलाउ कर रहे हैं तो वहां से कर दीजिए, पूरा घूम के इतना लंबा आना पड़ रहा है, हर मतलब बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई बॉर्डर है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम दिल्ली के अपने केंद्र में खड़े हुए हैं, कैपिटल है हमारा, यहाँ पे पूरा बचपन हमने इन सड़कों पे बिताया है, कभी नहीं देखा इस तरह का, लेकिन बिल्कुल छावनी बना दिया। अगर ऐसी छावनी, इतनी आर्मी जो है वो उन बलात्कारियों के खिलाफ लगा दिया करें तो शायद देश में बेहतरी हो जाए। यहाँ तो एक सिंपल लेकिन बेटियां यहाँ पे इंडिया गेट पर आई है आज, लेकिन वही ब्रजभूषण जी कह रहे हैं बेटियों ने जो भी कहा है, मैं नार्को टैक्स भी कराने को तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ विनेश सोगाट भी नार्को टैक्स कराए, बजरंग पुनिया भी कराए, तो वो तो तैयार हैं कराने को। उनके खिलाफ सबूत मौजूद है, इतना कुछ कह चुके, और पॉक्सो के केस में तो अभी पहले उनको अरेस्ट होना चाहिए था। वो अरेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि उनके सर पे राजनीति, जो राजनीतिक हैं, जो नेता हैं, उनका हाथ है, इस सरकार का हाथ है। मतलब लगातार हम देख रहे हैं, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, चाहे कठुआ में हो, चाहे कहीं और हो, मतलब जहाँ भी है, ये सरकार पूरी की पूरी, इनके मंत्री, इनके सारे चेले चपाटे, वो सब जो औरतों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसके साथ खड़े। मोदी, चलिए यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी, मोदी जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बेटियां जंतर मंतर पर इतने टाइम से हैं और मोदी विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं, एक तो डंका उनका कहीं नहीं बज रहा है, वो नेशनल मीडिया पे उनका डंका बजता है, है ना, वो कहते क्या है, करते क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और उसका 70% बजट जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च होता है, वो उस स्कीम के लिए खर्च नहीं होता, वो उनकी एडवर्टाइजिंग में खर्च होता है। तो वो बोलते क्या है उन्हें बोलने दीजिए, वो महिला सम्मान होता क्या है वो उसके मायने ही नहीं जानते। ब्रजभूषण जी भी तो एक बात लगातार कह रहे हैं ना कि मोदी और अमित शाह कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। मोदी अमित शाह क्यों कहें, हमारी कानून प्रणाली क्या कहाँ है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसके खिलाफ FIR लॉन्च करो, जब वहां से आ रहा है, तो ये कोई मोदी अमित शाह हर केस में करेंगे, उन्हें और कोई काम नहीं है, मतलब गृह मंत्री को और कोई काम नहीं है कि वो ये बताता रहे कि भाई ये बंदा, इसने शोषण किया, इसको गिरफ्तार करो, क्यों, जो रेगुलर जो पुलिस वाले हैं वो क्यों नहीं करते, ये उनका काम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मोदी और अमित शाह का हाथ उनके सर पे है, इसीलिए वो उनका नाम ले लेके उनकी दुहाई दे रहे हैं। लेकिन वो लगातार ये भी तो कह रहे हैं, उन्होंने देखिए कई बयानों में कहा अगर मुझे अरेस्ट किया मैं पोल पट्टी खोल दूंगा। तो खोल दे पोल पट्टी, किसकी खोलेंगे, जिसकी खुल रही होगी वही बचा रहा होगा उनको अरेस्ट होने से, जिसकी भी पोल पट्टी खुल रही होगी वही बचा रहा होगा अरेस्ट करने से। लेकिन क्या लग रहा है, अब आगाज हो गया क्या इंसाफ का, बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आगाज हो गया इंडिया गेट से? देखिए ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये ऐसा नहीं है कि हम इंडिया गेट पे हमने प्रोटेस्ट कर लिया या जंतर मंतर पे एक महीने से बैठे हैं, क्योंकि जो पूरी व्यवस्था है और खास तौर से जो आज की सरकार है वो पूरी तरह से नारी विरोधी, महिला विरोधी है। चलिए इंडिया गेट पे तो एक अहम सवाल पूछूंगी, जब निर्भया केस हुआ था तब इंडिया गेट पर ही प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी थी, बेटियां भी बैठी थी, तो एक लॉ एंड ऑर्डर पास हुआ था जी, बहुत उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून आया था, वो कानून आज भी मौजूद है, लेकिन कानून आप कितने भी अच्छे बना लें अगर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करें तो वो कानून बेकार हो जाते हैं। क्या लग रहा है, जब शांति से बेटियां जंतर मंतर से पुलिस की गाड़ियों में लाई गई इंडिया गेट पे, कहा गया था कैंडल मार्च होगा, लेकिन उसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी इंडिया गेट पे होना,
तो ये बिल्कुल तमाशा है, ये दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में लोकतंत्र के नाम पे एक पूरा मजाक बन गया है। क्योंकि हमको हमारा संविधान प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, हमको कैंडल लाइट निकालें, चाहे हम धरने पे बैठें, चाहे हम भाषण करें, पब्लिक मीटिंग करें, और उसमें इस तरह की जिस टाइम ये निकलते हैं, जब दंगाई निकलते हैं घरों को जलाने, इतनी सिक्योरिटी इन्होंने मणिपुर में लगा दी होती ना, मणिपुर में जो कितने चर्च जल गए, कितने हजारों लोग बेघर हो गए, इतनी सिक्योरिटी वहां लगा दी। चलिए मणिपुर की आपने बात कही, तो मोदी जी या फिर नेशनल मीडिया या फिर मीडिया होगा, कहीं नहीं दिखाया जा रहा है मणिपुर, वो तो नहीं दिखाया जाएगा ऐसा। जो भी आप सिर्फ अभी जो हो रहा है वो नहीं, आप पिछले 10 साल में देख लीजिए, जो भी कुछ मोदी के विरोध में था उसको इंटरनेट से गायब कर दिया जा रहा है। इवन जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, जो एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी अपनी खबरें जो है डिलीट कर दी। तो इस तरह का मीडिया के ऊपर जो हमला है ये आज तक इस देश ने कभी नहीं, इमरजेंसी में भी नहीं देखा। इमरजेंसी में भी आप तो उस टाइम शायद होंगे नहीं या बहुत छोटे होंगे, इमरजेंसी में अखबार निकलता था, एक पूरा कॉलम ब्लैक होता था, उसका मतलब ये होता था सरकार ने रोक लिया। आज तो वो भी नहीं है, आज तो सिर्फ सरकार की चमचागिरी उसमें आती है, मोदी अमित शाह की चमचागिरी करते रहो और वही खबरें छापो, उसके अलावा कोई खबर नहीं आती। बेटियां लगातार जंतर मंतर पे थी, बेटियां आज भी यहाँ पे, लेकिन इनको ना दिखाते, कहीं ना कहीं ऑल ओवर मीडिया में बाबा बागेश्वर को दिखाया जा रहा है, उनके चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए मीडिया पिछले जब से ये सरकार आई है तब से मीडिया तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इतना बकवास हो गया, मैं तो देखती नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, मैं कोई टीवी नहीं देखती, और वो मीडिया यही दिखाएगा। ये जिसकी लड़ाई है, चाहे वो इन रेस्टलेस की लड़ाई हो या बराबरी की लड़ाई हो, मजदूरों की, किसान, किसी की भी लड़ाई, वो लड़ाइयाँ तभी हम कर पाएंगे और कुछ हासिल कर पाएंगे जब 2024 में इस सरकार को यहाँ से हटाया जाएगा। अच्छा। इनके रहते हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करने से मतलब वो तभी भरोसा तो होना चाहिए ना सरकार पे। सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है मैडम, सरकार इतने अच्छे काम कर रही है। अच्छा काम किया आप बता दीजिए, क्या अच्छा काम किया आप मुझे बता दीजिए, एक काम जो सरकार ने अच्छा किया हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। लगातार दावे करते हैं काम, दावे करना अलग बात है, दावे करना अलग बात है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए पिछले 10 साल में, ये अच्छा काम है? मतलब इस सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया? मोदी जी की फोटो पूरे हिंदुस्तान में लगी है, यहाँ तक के जो कंडोम दिए जाते हैं ना फैमिली प्लानिंग के, उसके ऊपर भी फोटो है। आप कहेंगी तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो फैमिली पैक के ऊपर भी इनकी फोटो होती थी, शौचालयों पे इनकी फोटो, अपनी फोटो से इतना मोहब्बत है, उसके अलावा क्या किया? अपनी पब्लिसिटी प्रचार है, कर रहे हैं तो जन प्रचार है ना, प्रचार कर रहे हैं, जमीन पे नहीं कर रहे। मैं जमीन पे रहती हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, गुजरात का कोई एक पंचायत नहीं है जहाँ मैं नहीं गई। लेकिन फिर भी जनता तो चुनते हैं, जनता की पसंद तो है। तो आप गलती मान रहे, जनता जनता इसलिए चुनती है कि ये इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये ईवीएम के साथ घोटाला करते हैं, ये धमकियां देते हैं, और अगर ये हार जाते हैं तो खरीद लेते हैं एमएलए को 50-50 करोड़ दे के, है ना। गोवा में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, कितनी सरकार इन्होंने गिरा दी। क्या लग रहा है कर्नाटक में, चलिए आपने चुनाव की बात कही तो कर्नाटक में भी बजरंग बली को लाया गया था, क्या लग रहा है कर्नाटक में बजरंग बली और बजरंग दल जो कंपेयर किया गया था वो? इनके पास और कुछ है नहीं। देखिए ये तो जनता को बता नहीं सकते कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दी, ये भी नहीं कह सकते 15 लाख दे दिया, ये भी नहीं कह सकते कि हमने कोई नए कॉलेज खोल दिए, इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, बल्कि बंद ही कर दिए, हजारों स्कूल बंद कर दिए। तो क्या करें, हिंदू मुस्लिम ही करें। लेकिन कर्नाटका में एक फर्क जो था, 2002 से मैं देख रही हूँ, पहली बार कांग्रेस ने डिफेंसिव नहीं गई, वरना क्या होता था, इन्होंने हुश किया और कांग्रेस डर के बिल में घुस गई। इस बार उन्होंने जोर से कहा कि तुम बजरंग दल और बजरंग बली को कैसे जोड़ सकते हो, है ना, अगर आप एग्रेसिव रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो ये तो डरपोक हैं, ये डरपोक हैं। मैं डरेंगे किससे, सत्ता में हैं, डरेंगे कितने ही सत्ता में, हमारी आवाजों से डरते हैं। देखिए सत्ता में है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, सेमी फैशिस्ट स्टेट है, उसके बावजूद हम यहाँ खड़े होकर इंडिया गेट के सामने बोल रहे हैं, हमारे बोलने से डरते हैं। अगर आज और लोग बोलना शुरू कर दें तो और डरेंगे। बोलते रहना जरूरी है, हक की आवाज के लिए सामने खड़े रहना जरूरी है। क्या लग रहा है, आप किसान आंदोलन में भी थी, वो 13 महीने चला, क्या लग रहा है बेटियों को, आज एक महीना हो गया? एक महीना हो गया, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि इस इनकी लेकिन आप कह रहे हैं, देखिए इनकी जो सोच है वो महिला विरोधी है। महिला विरोधी नहीं है मैडम, लाल दिल्ली में है, लाल किले के प्राचीर से मोदी जी भावुक होते हैं महिलाओं की बात करते हैं। नहीं, भावुक तो वो जब उन्हें लगता है कुछ काम नहीं कर रहा तो चलो मैं रो दूं, अच्छे एक्टर हैं, उनको शायद एक्टिंग की कुछ प्राइज दे देने चाहिए। बात यह है कि बिल्किस बानो का केस, जिसमें कन्विक्शन हो चुका, यहाँ पे आरोप लगाया है, वहां कन्विक्शन हो चुका, सालों केस चला, कोर्ट ने कहा ये आरोपी हैं, उन आरोपियों को इन्होंने, और वो भी कब छोड़ा, 15 अगस्त को, है ना, बड़ी सिंबॉलिक चीजें होती हैं। अभी 28 मई को ये यहाँ पे आके इसको इनॉग्रेट करेंगे, अब यहाँ भी प्रेसिडेंट नहीं करेगी, ये करेंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट से भी ऊपर होगा। तो
बात यह है कि इनकी सरकार के रहते महिलाओं के हक में कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारे सामने चुनौती है वो ये कि 2024 में इनको गद्दी से कैसे उतारा जाए। लेकिन क्या लग रहा है आपके पीछे पार्लियामेंट है, जो पुराना पार्लियामेंट था वो आपके पीछे है और जो नया पार्लियामेंट जो नया संसद बन रहा है उसका उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। जब पहले अशोक स्तंभ रखा गया था तो पूजा पाठ करके हुआ था, तो क्या लग रहा है अब मोदी जी आ रहे हैं? देखिए बात ये है कि ये नहीं, लेडी और उसका जेंट का कुछ नहीं है, राष्ट्रपति का काम होता है। राष्ट्रपति जो है वो मुखिया है पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट को राष्ट्रपति ही इनॉग्रेट कर सकता है। ये ना किसी कानून को माने, ना कायदे को, ना प्रोटोकॉल को। एक तो ये प्रॉब्लम है कि पढ़े लिखे नहीं है पूरे के पूरे जितने बैठे हैं। अच्छा। अब जाहिलों की जमात है पूरी। उनको ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, उनको कानून का मतलब नहीं पता। उन्होंने तो गुंडागर्दी कर करके वो गद्दी पे बैठ गए है ना, तो इसलिए जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक ये सरकार बैठी है तब तक कुछ हासिल। आपने पढ़े लिखे की बात कही तो मोदी जी की तो दो दो डिग्री सामने आ गई। अभी हो सकता है तीसरी भी आ जाए। इन होल पॉलिटिकल साइंस या एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट जो कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता। इनकी तो आप पूरी जीवनी जो बताते हैं ना अलग अलग, उसका एक टाइमलाइन बना लीजिए। तो जब ये चाय बेच रहे थे तब वडगाम में स्टेशन ही नहीं था, पुलिस स्टेशन ही नहीं था, वो सॉरी रेलवे स्टेशन। तो उनकी तो वो बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ ही झूठ है।